प्रदेश भर में 73वां गणतंत्र दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच प्रदेश भाजपा कार्यालय पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह से ही भाजपा कार्यालय में जोश और उल्लास का माहौल नजर आ रहा था। इस बीच प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान संगठन महामंत्री सुहास भगत, पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गणतंत्र के इस पावन पर्व पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सब अपने गणतंत्र को मजबूत करने का आज संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, भारतीय संविधान को, उसकी जो खूबसूरती है उसके आधार पर देश आज लगातार भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम सब उसको सशक्त बनाने का संकल्प लें। आज मैं मध्य प्रदेश के उन हमारे चार ऐसे महान मूर्तियों को, जिनको भारत की सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है, ऐसे आदरणीय अर्जुन सिंह जी ध्रुवे जो कला क्षेत्र में हैं, श्री अवध किशोर जड़िया जी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र छतरपुर जिले से आते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। श्री राम सहाय पांडे जी कला में और श्रीमती दुर्गाबाई व्याम कला में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हुए, ऐसे सभी चारों के चारों लोगों को जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, ऐसी महान विभूतियों को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।